बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। और यहाँ पर ये है सब डे, तो चिकन चीज़ बस सैंडविच है और ये हमारा चिकन पिज़्ज़ा है और ये आ गया हमारा चिकन बर्गर। आज ये थ्री फ्रेंड्स पार्टी है, स्पेशली ऑर्गेनाइज की गई है। नाजिम भाई, ये मॉरिस भाई हैं और ये हमारे फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट फैज़ भाई। आपको पता चलेगा कि हाँ ये रियल में आप चिकन पिज़्ज़ा खा रहे हैं, क्योंकि इतने अच्छा टेस्ट है इसका और जो टेक्सचर आ रहा है चिकन का इसके अंदर वो हर बाइट में आपको मिलेगा इसमें। दोस्तों ये है सब डे, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे आगे। आज जायकों की तलाश हमें ले आई है एक छोटी सी गली में। ये जयपुर के बिल्कुल अंदरून इलाके में है, जयपुर के मोती डूनी रोड पर। ये सामने मुग़ल दरबार होटल है, उसके अपोजिट साइड में आप आएंगे तो कमेले वाली गली कहलाती है। और यहाँ पर ये है सब डे। और ये और हमारे साथ हैं ये इसके ओनर गुलफाम भाई, और ये कुछ यूनिक वैरायटी यहाँ एक गली के अंदर दे रहे हैं, क्योंकि हम देखेंगे क्या क्या बनाते हैं। तो गुलफाम भाई बताइए क्या क्या बनाते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पे हम बर्गर है, सैंडविच, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, वेज, नॉन वेज। अच्छा, अभी क्या बनाने जा रहे हैं? ये अभी हम अपना यहाँ का स्पेशल बना रहे हैं, चिकन चीज़ बस सैंडविच। चिकन चीज़ सैंडविच, चिकन चीज़ बस सैंडविच। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। नाम नाजिम है और मैं यहीं रहता हूँ, और काफ़ी टाइम से ओपन है ये वाला यहाँ पर जो सबवे है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर डिलीशियस फूड ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। सबसे मेन चीज़ तो क्या है, जो क्वालिटी है ना फूड की, लाइक आपको ऐसा लगेगा आप सबवे में ही खा रहे हैं, तो वो ज़्यादा पसंद आती है हमें यहाँ पर। और नाइट में अवेलेबल है, कभी भी आपका 1 बजे 2 बजे मन करता है आप कभी भी आ सकते हैं, अवेलेबल रहता है यहाँ पर 2 बजे तक रहता है। बिल्कुल 2 बजे तक अवेलेबल है। आपने अब तक क्या क्या चीज़ ट्राई की है? मैंने यहाँ पर इनका चिकन बर्गर ट्राई किया हुआ है, जंबो सैंडविच ट्राई किया हुआ है। कैसा होता है? बहुत अच्छा है, आप अभी टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। अभी हम भी लगवा रहे हैं और ट्राई करेंगे जी। क्या आपने व्यूअर्स को बताएंगे क्या जायका है? आपने तो बता दिया ये बात। बिल्कुल, आप टेस्ट करेंगे आपको खुद को समझ में आएगा। शुक्रिया आपका नाजिम भाई। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये इनका बड़ा सिस्टमेटिक काम है सारा, काफी अच्छा सिस्टम है और हाइजीन है, साफ सफाई नजर आ रही है। ये देखिए आप कितने सिस्टम से इनका सब सामान रखा हुआ है। ये इनका सैंडविच मेकर है और ये ऊपर मैंने अपना ओवन सेटअप किया हुआ है। अभी देखेंगे, जैसे ये जंबो एक सैंडविच हमारे लिए बना रहे हैं, उसके बाद फिर पिज़्ज़ा लगाएंगे और बर्गर भी बनाएंगे। तो देखते हैं अभी क्या सीन है, क्या इसका जायका है, बताते हैं आप लोगों को। गुलफाम भाई क्या लगा रहे हैं अभी, कुछ बताएंगे? ये चिकन चीज़ बस सैंडविच लग रहा है। नहीं, सैंडविच तो बन रहा है, ये ऊपर क्या लगाया आपने इतना? ये चीज़ ब्लेंड है। बड़ी हुनर से, बड़ी कलाकारी से लगाया आपने सर। ये अपने पिज़्ज़ा बनता है ना? जी जी, ये उस तरह का भी लगाते हैं ये। जी बिल्कुल, सैंडविच पे लगा रहे हैं, ये पहली बार देख रहा हूँ। ओवन में डालेंगे, कितनी देर के लिए लगाएंगे ओवन में? 5 मिनट्स। नंबर निकाल कर काम कर। तो ये अब हमारा बर्गर बनना शुरू हो गया। उसमें नियम क्यों बोला? अब सब दे आए। चिकन का है, चिकन रखा गया है। सबसे ख़ास बात यहाँ की ये है कि अगर आपको रात को 1 बजे 2 बजे कभी भी भूख लग जाए या कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप सब डे में आएँ, यहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल है।
हमें बताइए बर्गर कितने का होता है आपका जो बना रहे हैं? ये अभी हम बना रहे हैं 40 रुपीज का बर्गर है। ठीक है, और जो सैंडविच बनाया वो 180 का है। और ये पिज्ज़ा? पिज्ज़ा ये आपका 200 का है। ये चिकन भी आप अपना खुद ही सब तैयार करते हैं? जी, ये हम खुद ही बनाते हैं। ये बर्गर के लिए पैटी तैयार हो रही है तेरे को? ये फ्राई जो करना है? ये पैटी तैयार हो रही है। ये क्या मसाला क्या डाला आपने? ये मसाला डाला हमने। काहे का मसाला है? ये चाट मसाला है। अच्छा, चाट। ये यहाँ का नहीं है, दिल्ली का है। अच्छा, बर्गर देखो 40 रुपीज में इतनी क्वालिटी वाला बर्गर मिल रहा है, सबसे बेस्ट चीज है। ये क्या वहाँ पर काम किया हुआ है ना सब वगैरह में आईडिया है इनको? हाँ, देख लो। तो जैसा कि हमें अभी ये नाजिम भाई ने बताया कि ये गुलफाम भाई जो है ये सबवे पर भी काम कर चुके हैं, तो इनको काफ़ी आइडिया है, काफ़ी एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ें बनाने का। वहीं से ये सीख रहा है और बिल्कुल उसी अंदाज में ये बना रहा है। क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिएगा। जो भी हमने फर्स्ट टाइम जो भी बनाया था वो चिकन चीज़ बस सैंडविच था। अच्छा, और अभी ये जो बना रहे हैं ये चिकन ग्रिल सैंडविच है। अच्छा, तो आप हमें वो वाला देंगे? हमें तो चिकन आपका जो बस। हाँ, ये कस्टमर के लिए तैयार? ये कस्टमर के लिए तैयार हो रहा है। तो टेक अवे है, आप ऑनलाइन आप भी करते क्या स्विगी जोमेटो पे? नहीं, अभी नहीं कर रखा आपने। यहीं से जिसको चाहिए लोग पैक करा के ले जाते हैं। हाँ, टेक अवे। कितने टाइम हो गया वही बता देना। कितने टाइम से है आपकी ये सेटअप? ये हमें हो गए 2 ईयर्स हो गए। ये कौन सी लेते हैं आप, मेयोनीज और ये सब चीज़ें? ये चीज़ वाली सॉस है, 1000 सॉस। अच्छा, ऑनलाइन का सेटअप कर लो उसका फ्रंट दुकान पे। ये तो दोस्तों चिकन चीज़ बस सैंडविच है, और ये हमारा चिकन पिज़्ज़ा है, और ये आ गया हमारा चिकन बर्गर। आज ये 3 फ्रेंड्स पार्टी है, स्पेशली ऑर्गेनाइज की गई है। नाजिम भाई, ये मॉरिस भाई हैं, और ये हमारे फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट फैज़ भाई। फैज़ भाई, कैसा लगा आपको बताइए, आपने क्या अभी सैंडविच खाया आपने? हाँ, माशाल्लाह बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका। अच्छा, डिफरेंट टेस्ट है इसका, बहुत अच्छा सैंडविच। पिज़्ज़ा भी ट्राई करके बताएं। बिल्कुल, मैं भी ट्राई करूँगा। पिज़्ज़ा की जो क्वालिटी है ना, लाइक आपको पता चलेगा कि हाँ ये रियल में आप चिकन पिज़्ज़ा खा रहे हैं, क्योंकि इतने अच्छा टेस्ट है इसका, और जो टेक्सचर आ रहा है चिकन का इसके अंदर वो हर बाइट में आपको मिलेगा। इसमें अच्छी क्वालिटी है, सारी बेस्ट। तो ये फ्रेंड्स देखिए पिज़्ज़ा है, ये भी आपको ट्राई करके बता दें कैसा है। जैसा कि अभी नाजिम भाई ने भी बताया था कि एक तो इसका बेस, इन्होंने पिज़्ज़ा बेस बहुत अच्छा लिया है, इसके अलावा आप जो भी बाइट लेंगे आपको उसमें चिकन का फ्लेवर ज़रूर आएगा, चिकन का टेस्ट आएगा, और इनकी मेयोनीज़ और इनकी जो इस पे इन्होंने मोज़रेला चीज़ डाली है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लिए काफ़ी अच्छा टेस्ट है। डिलीशियस सैंडविच, तो वाकई भी मैंने ऐसा सैंडविच कहीं नहीं खाया अभी तक, लाजवाब है सैंडविच। मसाला भी ऊपर से डाला है, उसका भी फ्लेवर आ रहा है, और बाकी चीज़ और मेयोनीज़ तो अच्छी क्वालिटी की है ही, और चिकन भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर दे रहा है, चिकन भी अच्छी क्वांटिटी का डाला है, और प्राइस सबसे ख़ास बात यह है कि प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल है,
तो अगर आप लोगों को बढ़िया क्वालिटी का पिज़्ज़ा चिकन बस सैंडविच और चिकन बर्गर खाना है तो सब डे पे आएँ। जो और सबसे ख़ास बात यह कि आपको रात को 1-2 बजे तक भी यहाँ पिज़्ज़ा और बर्गर मिल जाएगा। तो गुलफाम भाई क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर से, कुछ ख़ास बात आप भाई? ये है हमारे यहाँ पर हर क्वालिटी और चीज़ हर चीज़ मेंटेन होती है, साफ सफाई हर चीज़। एक बार विजिट करें, एक बार खा के देखें, आपको खुद इसका लगेगा कि आप बाकी चीज़ टेस्ट ले रहे हो। खासतौर पर सैंडविच तो नो डाउट मैंने कहीं नहीं खाया, इवन दिल्ली में भी खा कर आया हूँ, मेरे सैंडविच आपने बहुत ही अच्छा बनाया। यहाँ पे कोई रखता नहीं हमारे इन्हें, इसका सब डे का स्पेशल सैंडविच। बिल्कुल बहुत अच्छा बनाया आपने। और तो ये देखें दोस्तों, ये इनका चिकन बर्गर है। सबसे तो ख़ास बात मैंने यही देखी कि इतना चिकन और इतना फ्रेश चिकन कोई नहीं लगा के देता, इतनी अच्छी क्वान्टिटी का, बहुत ही बढ़िया है बर्गर भी। चिकन इन्होंने जो भी चिकन का जो मैरिनेशन है काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा चिकन का टेस्ट आ रहा है। चिकन तो इस पर बिल्कुल हावी है बर्गर पे, इतने चिकन का और इतने अच्छी क्वालिटी का बर्गर भी मैंने यहाँ अभी तक दोस्तों नहीं खाया है। आप ज़रूर आएँ, यहाँ का बर्गर और चिकन पिज़्ज़ा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। थैंक यू। तो दोस्तों ये था सब डे का हमारा छोटा सा सफ़र, और ये हैं गुलफान भाई मेरे सामने, जिन्होंने अभी काफ़ी अच्छे जायके का सैंडविच और पिज़्ज़ा और बर्गर खिलाया। दोस्तों वीडियो हमारा पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के आपके लिए इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू, गुड बाय, शब्बा खैर। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छे अच्छे खाने खाते रहिए और खुश रहिए।